लो जी एंटर हो गए हैं। ये है जोड़ा घर, लेके टोकन। तो अभी जा रहे हैं हम हाथ धोने के लिए, संगत जी जल पीती हुई। जब हमने एंट्री की तो ये रास्ता जा रहा है, मौसम देखिए बिल्कुल अच्छा है। इधर की तरफ सरोवर साहिब है, लेकिन हमें पहले यहाँ पर देखना है। तो मैं अभी गुरुद्वारा साहिब में आ चुका हूँ। इंटरनेट अभी भी चल रहा है, मतलब इंटरनेट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं, बीच में कभी बंद हो जाता है, कभी सिग्नल चले जाते हैं और कभी दोबारा वापस आने लग जाते हैं। देखो यहाँ पर पानी बहुत है, तो पैर जरा संभाल के रखना। एक उत्तम पंथ सुनियो कंचन माटी माँ। टाइम चेक करिए, आधा घंटा पीछे है इंडिया से। सो दीवान हाल में जाने के लिए पौड़ियाँ यहाँ पर मिलेंगी आपको। ये हैगा जी खूह साहिब। ये वाली बोतल खूह साहिब का पानी है, तो अपनी इच्छा अनुसार जो श्रद्धा है यहाँ पर आप दे सकते हो और बोतल ले सकते हो, इसका कोई चार्ज नहीं है। ये जो खूह है, बाबा नानक देव जी इतने अपने खेतों में पानी लाया करते सन, तो इतने आसे पासे जी पैड़ है इतने बोल चलते सके, तो इतों की फिर पिंडा राही पानी उपर आ अपने खेतों में लाया करते सन। पवित्र स्थान है खूह खूह साहिब। सो अब हम जा रहे हैं लंगर खाने के लिए, बहुत मज़ा आ रहा है। हाँ जी संगत जी की विचार है तुहाडा? बस आप मत्था टेक लिया, हम अगे लंगर हाल च लंगर छकन जा रहे हैं। यहाँ पर आपको पहले पेंटिंग्स दिखेंगी, बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग्स हैं, ये देखिए कितनी अच्छी हैं। इस हॉल में सारी ही आपको पेंटिंग्स अलग अलग तरह की, ये देखिए बाबा नानक जी की पेंटिंग जो कि एक मुसलमान ने बनाई है, इरफान कुरैशी 2019 में, बहुत बड़ा है। इतनी अच्छी पेंटिंग्स मैं बता नहीं सकता हूँ, आप देख सकते हो वीडियो में कितनी अच्छी कलाकारी की हुई है इस पेंटर में। मज़ा आ गया, बहुत अच्छी तस्वीरें, बहुत अच्छी पेंटिंग। तो अभी हम पहुँच गए हैं गुरु का लंगर, ये देखिए गुरु का लंगर हॉल।
मेरे पिछे देख रहे हो इत्थे बर्तन धोंदे ने खा पी के। क्या बना रहे? आलू गोभी। आलू गोभी गोभी और साथ में उधर चावल चावल। क्या नाम आपका? और आपका भाईजान? सेवा हो रही है। प्रशादा बन रहा है। हाँ जी पापा जी, कैसा लगा लंगर? बहुत गर्मा गर्म, हर एक चीज टेस्टी, न्यूट्री, दाल, बहुत बढ़िया सेवा, बहुत गर्मा गर्म लंगर, बहुत मजा आ गया। हर एक चीज आपको यहाँ पर तीन भाषाओं में नजर आएगी, उर्दू, पंजाबी एंड इंग्लिश। लग रहा है पहली बारी करतारपुर साहिब मत्था टेकन आए हैं। साध संगत जी जरूरी तुम जरूर आओ जो तुम इतने मौका मिलता। इतों के जोड़े सेवादार ने बिल्कुल ही प्यार भरे ने, लंगर छकाया गर्मा गर्म। तो तुम देख सकते हो दूर दूर तक थोड़ा घुमा दो, देखो कि साफ कि मैं करना पूरी सफाई का प्रबंध है। पिछले दिनों से इतनी धुंध पड़ रही थी, आज देखो कितना अच्छा मौसम हो चुका हुआ है। मैं कहता हूँ सर्दी बिल्कुल नहीं लग रही है और मज़ा बिल्कुल आ रहा है। घूमने का तभी मज़ा आता है जब मौसम अच्छा हो। ये देखिए खेत में खंडे का निशान बना हुआ है और ये है निशान साहिब। तो अभी हम जा रहे हैं सरोवर साहिब। लो जी ये है सरोवर साहिब। लो भाई अब हम जा रहे हैं मार्केट। अंदर बहुत अच्छा नज़ारा आया, अलग अलग चीज़ें देखी, नया एक्सपीरियंस हमारे को देखने को मिला, फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान। जब आपने माथा टेक लिया तो आप इस जगह से जूते लेकर मार्केट जा सकते हो। पाकिस्तान से भी लोग यहीं पर आ रहे हैं, उनका प्रोसेस अलग रहता है। तो ये देखिए, तो ये देखिए सारा बना हुआ है और ये सामने देख रहे हो आप, ये मार्केट है। बहुत दूर बनाई हुई है, पूरे का बहुत माड़ा हाल होना। लो भाई कपड़े की दुकानें आपको बहुत मिलेंगी और यहाँ पर है करेंसी एक्सचेंज भी करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लो जी सारा बाजार देखो, खाने पीने का भी सामान मिलेगा आपको यहाँ पर, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से खा पी सकते हो। यूके कैफे लो जी शॉपिंग कर ली है। ठीक है भाई जान, दुकान का की ना है? पंजाब क्लास। पंजाब क्लॉथ, चलो वधिया जी, इन्हां नूं आके मिलो इत्थे ते शॉपिंग खूब करो, वधिया रेट ला लियो भाजी। मैं ना जायज करके मुनासिब करके और वधिया सूट देंगे तुहानूं, पाकिस्तानी बहुत अच्छे अच्छे सूट मिलदे, असीं चार सूट लेके चले आ इत्थों। एक प्लेट पकौड़े भी दे, पकौड़े कर दे एक प्लेट यार। 200 समोसे भैन जी किन्ने कर दिए तुहाडे वास्ते? किद्दां खा के देखो स्वाद, तुहाडे वास्ते किन्ने कर दिए? मेरे वास्ते मैं किन्ने कर दूं? लो भाई दही बल्ले, इनके बल्ले होते हैं छोटे छोटे, ये देखो छोटे छोटे बल्ले, और साथ में मंगाए पकोड़े।
यहाँ पर मिलती है बस स्प्राइट, ये वाली पाकिस्तान में वहाँ नहीं मिलती, यहाँ पर ही मिलती है जी, इंडिया में नहीं मिलती, ये नई चीज है। लेज का जो प्राइस है वो है 60 रुपए। ये देखिए पावरफुल रेड बुल का, भाई कह लो बहन कह लो, सूट वगैरह ले लिए हैं, बार्निंग होती है बहुत ज़्यादा। अगर आपने अच्छा प्राइस लेना है तो थोड़ा सा शाम को ले, क्योंकि वो जब जाने वाले होते हैं फिर कहते हैं खुद से ही कि अब जाने वाले हैं तो आप बताओ कितना प्राइस है, खुद हिसाब लगा लो। उसने 1200 का कहा था सूट एक, और हमारे को उसने 800 का दे दिया, इंडियन की बात कर रहा हूँ। कैसे है भाई? ये भैया की दुकान से हमने लिया है, क्या नाम है आपका? हसन। हसन की दुकान पे आ जाना, क्या नाम है दुकान का? पाकिस्तान क्लॉथ हाउस। पाकिस्तान क्लॉथ हाउस पे आ जाना, और सस्ते थे मेरठ वाले कपड़े, बढ़िया बढ़िया। लो भाई सारी कर ली है शॉपिंग हमने, तो अभी हम जा रहे हैं वापस। यहाँ पर कोई लगता है वीआईपी बंदे आए हैं, इंडिया को इमिग्रेशन हो गई है पाकिस्तान की, जो बैच दिया था उन्होंने वहाँ पर रखवा लिया, पर्ची दी थी जो $20 हमने कटवाए थे वो भी ले लिए। अब हमारी जो पीछे देख सकते हो वो इंडिया का फ्लैग है। मिलते हैं अगली वीडियो में, लाइक कर दो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।